So hello everybody, welcome and welcome back to my channel. This is Mayur Shravani. I know that I'm very inactive on my social media. YouTube के साथ साथ Instagram पे भी मैं काफ़ी inactive हूँ. मैं daily reels और everything मैं upload नहीं कर रही हूँ. But I'll make sure कि I'll be consistent on the both my channels. Sorry, on YouTube channel और Instagram. एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि इतना सारा काम पेंडिंग है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो सब कुछ नहीं हो रहा है मुझसे. तो मुझे थोड़ा सा टाइम मैं ले रही हूँ, और साथ ही मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ रहा है, तो इसलिए मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ. क्योंकि स्क्रिप्टिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, शूट भी करनी है, साथ में पढ़ाई भी करना है, कॉलेज का प्रैक्टिकल करना है, PPTs करना है, तो इतना सारा काम है ना कि सब कुछ मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ. बट आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ी बहुत कंसिस्टेंट रहूँ. तो वेलकम टू माई व्लॉग. सो दिस इज़ अ वीक इन माई एग्ज़ाम लाइफ. तो मेरे एग्ज़ाम्स चालू है, सेमेस्टर 6 है मेरा, लास्ट सेमेस्टर ऑफ माई डिग्री, और अभी फाइनल एग्ज़ाम्स चालू है मेरे कॉलेज में. और आज मेरा फर्स्ट पेपर था, काफ़ी ठीक ठीक गया, लाइक बेटर था. बेटर मतलब अच्छा गया, मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए. फिर अभी हमारा डायरेक्ट पेपर है परसों. तो मेरा एक्चुअली बहुत सारे ऐसे प्लानिंग चल रहा है कि एग्ज़ाम के बाद थोड़े से कंटेंट शूट करना है मुझे कॉलेज में. और आपको पता नहीं, आज मैं लिटरली मैं रूके अथर्व से मिली है. ही इज़ अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम एंड ही इज़ फ्रॉम कीर्ति कॉलेज ओनली. तो आई वॉज लाइक, मैं जा रही थी घर पे मेरी फ्रेंड के साथ और सडनली मुझे वो दिखे एंड आई लिटरली वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम लाइक, अरे यार मैं आपके सारे रील्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और मैंने उनसे एक फ़ोटो के लिए मांगा, देन ही वॉज लाइक हाँ श्योर. देन मैंने उनके साथ फ़ोटो क्लिक किया और मैंने स्टोरी पे डाला, उनको मेंशन किया, और फिर उन्होंने मेंशन बैक किया मुझे, उनके स्टोरी पे उन्होंने मेंशन किया. एंड गेस व्हाट, द मोमेंट उन्होंने मेंशन किया मेरा जो इंस्टाग्राम है, आई लिटरली गेन्ड 50 फॉलोअर्स इन अ डे. और मेरा स्टोरी पे 800 से ज़्यादा व्यूज़ आया अभी तक, और इतने सारे लोग कंटिन्यूसली मेरे पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया, और फिर इतना सारा मेरे को फॉलो हुआ. मैं इतनी खुश हो गई, मैं मम्मी को बताई कि मम्मी ये देखो मुझे इतने सारे फॉलो रिक्वेस्ट है और सब कुछ. तो आई गॉट रियली हैप्पी. तो दिस मोटिवेटेड मी कि मैं थोड़ा और कंसिस्टेंट रहूँ. बट फिर एक दिन में जब इतने सारे अगर लोग आपको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. लिटरली मेरे उनको मिलने से पहले मेरा 579 या 580 के आसपास मेरे फॉलोअर्स थे, और फिर कुछ ही घंटों के बाद जब उन्होंने स्टोरी डाली तभी डायरेक्ट लाइक मैंने चेक किया तो 620 क्रॉस हुआ, और लाइक अभी 630 कुछ है आई गेस सो. और मैं लाइक इतने सारे फॉलोअर्स, तो ठीक है, आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू. तो उसके बाद तो अभी हमारा एग्ज़ाम चालू है, राइट? सो इट्स टोटली अ वीक इन माई एग्ज़ाम लाइफ. आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, बट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू कि मैं आज इनसे मिली और ऐसे सा हुआ. तो या सो लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क. और अभी हम जा रहे हैं बनाने एक PPT, सो लेट्स डू दैट एंड देन वील हैव अ लंच, सॉरी डिनर. अभी रात हो रहा है लाइक 8:30 हो रहा है, फिर हम डिनर करेंगे, फिर शार्क टैंक देखेंगे एंड देन आई विल गो टू स्लीप. और कल मुझे पढ़ाई करनी है, सो अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी क्योंकि परसों पेपर है, तो टुडे आई विल रेस्ट. सो आई एम एक्चुअली वेरी हंग्री एंड बिफोर स्टार्टिंग माई वर्क ऑन PPT आई डिसाइडेड टू हैव समथिंग. सो आई टोल्ड माई मॉम टू ब्रिंग वेफर्स फॉर मी एंड उन्होंने भी मेरे लिए लिखा है कि क्रीम एंड ऑनियन वेफर्स और दूसरा है टमाटो वाला वेफर. सो दिस बोथ आर माई फेवरेट फ्लेवर. सो नाउ आई विल जस्ट हैव दिस एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन माई PPT. चिप्स खाने के बाद मैंने मेरा PPT बना लिया है. एक्चुअली इसको मुझे नेक्स्ट मंथ सबमिट करना है, फिर मैं देखने लगी शार्क टैंक. तो गाइस अपना व्लॉग तो चालू है, और अभी मैं हूं प्रभा के साथ. कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र. शी हैज सम वर्क. आपको पता है कल मेरा पेपर है और मैं इसके साथ अभी बैंक में आई हूँ, क्योंकि वो सुबह मेरे साथ कॉलेज आई थी, क्योंकि वो भी उसका एग्ज़ाम था इसलिए वो आई थी. तो मैंने सोचा कि अभी वो सुबह आई है मेरे साथ तो मैं अभी उसके साथ आती हूँ. निकाली नहीं, देखो अकाउंट में पैसा रहना चाहिए. तो गाइस अभी हम लोग ने SBI बैंक में आए हैं एंड काव्या इधर पैसे निकालते, किधर गई.
तो नेक्स्ट डे था मेरा एग्ज़ाम, तो आई मैं कॉलेज और ये है मेरा क्लासरूम और मेरा बेंच है थर्ड बेंच और ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे थे। तो पेपर तो मेरा काफ़ी अच्छा गया, फिर मैं घर ही जा रही थी कि मुझे काव्या मिली और उसके साथ ही मुझे गोला अंकल मिले। तो यहाँ पे इनके पास ना गोला बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो मैं सोच रही थी कि गर्मी का सीज़न है, समर है, गर्म भी हो रहा है, मुझे थोड़ा से प्याज भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं गोला खाती हूँ। और गोला में मैं ऑलवेज मैं नींबू फ्लेवर का ही खाती हूँ, लेकिन आज मैंने रेड कलर वाला लिया। अपना कितना भी पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम के पहले यूट्यूब से पढ़ाई करना इज़ वेरी मैंडेटरी। तो मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, सो आई वॉज थिंकिंग टू डू लाइक स्टडी फ्रॉम यूट्यूब। तो मैं अभी पढ़ाई करने जाती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो नेक्स्ट डे मेरा दूसरा पेपर था, तो मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम हो गया था और मेरा था, लाइक मैं स्टिल पेपर लिख रही थी तो वो बाहर रह के हम लोग का वीडियो शूट कर रही थी। एंड ये वाला पेपर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया। फिर घर पे जाने के बाद मैं सबसे पहले आई हैड माय लंच, फ्रेश हुई और मैं वापस पढ़ाई करने बैठ गई, क्योंकि इसमें यू नो ज़्यादा क्वेश्चंस थे तो पढ़ना बहुत था। तो उसके बाद ना मुझे कुछ खाने पीने का मन कर रहा था, तो मैंने फ्रिज खोल के देखा तो मुझे मेरे घर पे लाइक फ्रिज में टैंक मिला, तो मैंने सोचा कि यही बना के पी लेती हूँ। तो फिर ले लिया मैंने ग्लास, डाल दिया टैंक का पाउडर और ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, उसको मिक्स किया। तो एक्चुअली इसमें मैं कभी कभी शुगर ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मैं एक्चुअली शुगर डाला नहीं है, मैंने उसको ऐसे ही पी लिया। फिर पीने के बाद आई रियली वॉन्टेड टू रेस्ट, बट मैंने रेस्ट नहीं किया। फिर रात को मैंने डिनर करके ना मैं वापस पढ़ाई करने के लिए बैठ गई, क्योंकि ये सर ने ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे पढ़ाई करने के लिए। लाइक हम लोग को एक्चुअली एग्जाम्स के पहले क्वेश्चन बैंक दिए थे, तो ये सर ने बहुत 40 क्वेश्चन दिए थे हम लोग को पढ़ने के लिए, और घर पर सभी सो गए थे और मैं स्टिल पढ़ाई कर रही थी। बट लकीली फिर नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था और ये लास्ट पेपर था हम लोग का, सो हम सब लोग एक्चुअली काफ़ी अपसेट थे और यू नो हम लोग ऐसे फोटोज़ और वीडियोस क्लिक कर रहे थे क्लासरूम में। लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट एग्जाम, लास्ट पेपर एंड 15 ईयर्स टू गेट दैट टर्म ग्रेजुएट इज अबाउट टू एंड। ऑल दिस विल कम टू एंड व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 2 PM टुडे। टाइम फॉर अस टू पुट आउट पेन्स डाउन फॉर वन लास्ट टाइम। Last time sitting on those benches and writing the stories for those that we never know. Cheers to all the memories that we have created. तो आज हमारा लास्ट डे ऑफ एग्जाम था, सारे एग्जाम्स खत्म हो गए सेमेस्टर 6 के, हम लोग ने सारे एग्जाम्स कंप्लीट कर चुके हैं और जस्ट नाउ मैंने पेपर दे के आ गई हूँ। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी है, उनका भी जस्ट वो लोग अभी अभी पेपर दे के आए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।